हरे कृष्ण, एक अनाउंसमेंट है। एक चक्रा जाने के लिए कुछ लोगों ने नाम दिया है। ये कथा के बाद में आप लोग यहाँ पर खिचड़ी प्रसाद मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 4-5 घंटा हमें जाना है। यहाँ से खिचड़ी प्रसाद पा करके आप लोग को टिकट दी गई है, बगैर टिकट के अंदर में नहीं जा सकते हैं। इसलिए वहाँ पर भक्त लोग खड़े हुए, जो लोग केवल नाम दिए हैं वही लोग ही वहाँ पर जाइएगा, और जिनको टिकट नहीं मिला अब लोग टिकट लेकर के बस में बैठ जाना, लेकिन कुछ प्रसाद पा करके जाना, क्योंकि बड़ी दूर जगह है। ठीक है, हाँ, होली खेलते खेलते होली खेलेंगे। ओम ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। मतलब बांग्ला बोलते कृष्ण सब बोलते राम राम हरे 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 कृष्ण। हाँ, আমাদের মাধব মহারাজ বলছেন 2 মিনিটে বাংলা বলে হিন্দিতে বলে দেবে। হ্যাঁ, আমরা এখানে যে জায়গায় এসেছি, এ স্থান আপনারা তীর্থ মহারাজের মুখারবিন্দ থেকে শ্রবণ করলেন। নব যেরকম শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি পূর্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি রাধা ভাব দুতি সুবলিতম নবমী কৃষ্ণ স্বরূপম। রাধা কৃষ্ণ দুই জন মিলে শ্রীমান মহাপ্রভু রূপে এসছেন, এই জন্য মহাপ্রভু হলেন পূর্ণ। এই জন্য এটাকে বলা হয় গুপ্ত বৃন্দাবন। গুপ্ত বৃন্দাবন মানে যদি কেউ বৃন্দাবনের পরিক্রমা করে কেবল বৃন্দাবন পরিক্রমার ফল পাবেন, কিন্তু যদি কেউ নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করে আপনি নবদ্বীপ ধামের পরিক্রমা ফল তো পাবে নেই, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আপনি বৃন্দাবন ধাম পরিক্রমার ফল আনুষঙ্গিক রূপে পেয়ে যাবেন। এখানে এলে বৃন্দাবনের এটা কি স্থান বলে, এই বৃন্দাবনের এটা হলো অভিন্ন ভাণ্ডির বট। ভাণ্ডির বট মানে ভা মানে হলো প্রকাশ, যে বট বৃক্ষের নিচে কৃষ্ণ তিনি দিব্য লীলাকে তিনি প্রকাশ করেছেন। সেখানে কৃষ্ণ অনেক লীলা করছেন, সেখানে কৃষ্ণ গোচারণ করতেন, সেখানে রাধা রানীর সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ সেখানে করতেন কৃষ্ণ, সেখানে বলদেব প্রভু সেখানে কত রাক্ষসকে সেখানে প্রলম্বাসুরকে সেখানে বধ করেন, কৃষ্ণ গোচারণ করেন, সেখানে কৃষ্ণ দাবানল পান করেন, অনেক অনেক লীলা কৃষ্ণ সেখানে তিনি করছেন। অতএব এখানে এলে আপনারা ওই ভাণ্ডির বট যাওয়ার ফলটাও পেয়ে যাবেন। আর এটা ভদ্রবন, ভদ্রবন মানে যে বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন শ্রী বলদেব প্রভু। আর যে নববিদ্যা ভক্তি, এই নবদ্বীপ ধাম হলো নববিদ্যা ভক্তির পীঠ। যদি এখানে কেউ আসে যে দাস্য রস, এটা হলো এখানে হলে যে নয় প্রকার ভক্তির মধ্যে যে দাস্য রস আছে, এই স্থান এলে দাস্য রসের যে ভক্তি নিজে থেকে আপনি প্রাপ্ত হয়ে যাবেন। আর এই দাস্য রস হলো প্রত্যেক রসের মধ্যে এই দাস্য রস বিদ্যমান। ঠিক আছে, এখানে আমি হিন্দিতে বলছি। हम लोग अभी गुरु वैष्णव के अनुगत में अभी जिस स्थान पर आए हैं, ये स्थान मदोद्रुम द्वीप है। आप लोगों ने अभी अभी श्री तीर्थ महाराज और माधव महाराज से श्रवण कर रहे थे, इसलिए ये जो स्थली है ये नवद्वीप धाम परिक्रमा करने पर हम कहते ना दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है। जो व्यक्ति वृंदावन धाम का परिक्रमा करते उनको केवल वृंदावन धाम का परिक्रमा करने का फल मिलेगा, लेकिन जो लोग श्री नवद्वीप धाम को परिक्रमा करते हैं कहते आपको नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का फल तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसको साथ साथ में आपको श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करने का फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कहते ये ब्रजमंडल का कौन सा स्थान है, कहते ये भाण्डिरी बट है। भाण्डिरी बट माने भा माने होलो प्रकाश, जे बट वृक्षर नीचे कृष्ण सुंदर सुंदर दिव्य लीलाओं को जहाँ पर प्रकाश किए हैं, इसलिए अभिन्न भाण्डिरी बट है। जहाँ पर स्वयं किशोरी कृष्ण को पछाड़ देते हैं, कभी कृष्ण सखाओं के साथ में खेल रहे थे,
इतने में ललिता आ गई, बोले तुम लोग क्या कर रहे हो, बोले मल्ल युद्ध क्रिया कर रहे हैं। बोले मल्ल युद्ध, ये मल्ल युद्ध बड़े बड़े व्यक्तियों को होता है, तुम लोग तो ग्वाला गैया चराने वाले, तुमको क्या मल्ल युद्ध पता है। सखाओं ने कहा ज्यादा बोलो मत है, हमारे जो खलीफा हमारे जो मेन है श्री श्याम रायणी, केवल कुंज से निकल करके जब उन्होंने केवल एक तेरसी चितवन से दर्शन किया, जिसको श्री प्रवदानंद सरस्वती कहते हैं, बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्टं च पीत वसनम ब्रजराज सुनो। केवल राधा रानी जब एक कृपा कटाक्ष से दर्शन करते हैं, वहां पर कृष्ण का मयूर मुख दिखी जाती है, उनका नाम मोद द्रुमदीप, मोद मतलब होते आनंद, कहते यहीं पर ये अभिन्न ब्रज मंडल, यहीं पर भगवान राम भी वनवास का समय में यहीं पर आए थे। पहले यहाँ पर सुंदर एक वटवृक्ष था, इसी वटवृक्ष के नीचे राम लक्ष्मण सीता जब बैठे हुए थे, और वो पेड़ ऊपर में सुंदर सुंदर कोयल, जैसे वृंदावन में वहाँ पर मैंने तुम विष्णु प्रिया बन करके आओगी, और मैंने 26 साल उम्र में मैं सन्यास ग्रहण करूंगा, और सन्यासी ग्रहण करते हुए मैं चला जाऊंगा श्री जगन्नाथपुरी, और तुम यहीं पर रहोगी, और मेरे मूर्ति को पूजा करते हुए दिन रात मेरे विरह में तुम रोती रहोगी, रोती रहोगे तुम, और ये रामावतार में भी मैं भी एक बहाना बना करके एक कलंक लगा करके मैं भी तुमको परित्याग करूंगा, और तुम चली जाओगी कहाँ पर, श्री वाल्मीकि आश्रम पर, मैं वाल्मीकि आश्रम पर मैं स्वर्ण सीता बनाऊंगा, स्वर्ण सीता बना करके मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, और दिन रात तुम्हारी चिंतन में विरह में मैं डूबा रहूंगा। इतने में सीता देवी प्रश्न करती है, बोले प्रभु आप ऐसे विरह लीला क्यों करोगे, क्यों हमें परित्याग करोगे। तब उसी समय भगवान ये रहस्य बताते, बोले देखो होता है केली, विशेष रूप में केली है, इसलिए जैसे श्री हमारे जो प्रेम सरोवर में है, प्रेम सरंदर जिस समय से राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठी हुई थी, एक भौरा ने आए फूल को ऊपर बैठना चाहते हैं, इतने में राधा रानी डर गई, कृष्ण मधुमंगल को बोले उसको भगा करके आओ, और मधुमंगल ने बोल दिया मैंने तो मधुसूदन को बड़ी दूर में भगा करके आ गया हूँ, लेकिन राधा रानी गोद में बैठी हुई थी, लेकिन राधा रानी का जो प्रेम जय, जैसे चंद्रमा में मिलन में चंद्रमा का किरण जहाँ पड़ता है उतना स्थान ही प्रकाश करता है, लेकिन सूर्य का किरण विरह को साथ में उदाहरण दिया, कहते सूर्य का किरण जहाँ पड़ता वहाँ तो आलोक करता ही है, लेकिन जहाँ पर नहीं पड़ता है वहाँ पर भी आलोक करता है। इसलिए माधुर्य में क्या होता है, माधुर्य में उनको मिलन में केवल माधुर्यता, जयतीतधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दैत दीक्षता दीक्षुतावता त्वयि धृता तव त्वांग विचिन्वते। कभी यहाँ पर उनकी श्रयत इंदिरा, वो कह रही है कृष्ण जब ब्रज में प्रकट हुआ, ये ब्रज भूमि क्या हो गया, बोले लक्ष्मी की क्रीड़ा भूमि बनी, मैं भी तुम्हें परित्याग करते हुए मैं भी तेरे विरह में मैं भी रहूंगा, तू भी मेरे विरह में रहूंगी, और महाप्रभु का अवतार में भी मैं जगन्नाथपुरी में तेरे विरह में तू भी विष्णु प्रिया बन करके मेरे मूर्ति का विग्रह पूजा करते हुए मेरे विरह में तू भी रहोगे, हम दोनों ही रोते रहेंगे। यहाँ पर हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज यहाँ पर इतने भावाविष्ट हो जाते थे, बड़े सुंदर रामलीला व्याख्या करते थे। बोले जिस समय लवकुश माता सीता के ऊपर जो बदनामी हुई, ये बदनामी को दूर करने के लिए लवकुश वो आए कहाँ पर, अयोध्या में, अयोध्या में आकर के राम और सीता के करुण है, उनकी करुण लीला को उन्हें वर्णना करते हुए संपूर्ण उन्होंने अयोध्या वासियों को रुला दिया, हमें वहाँ कीर्तन सुनाने के लिए। लेकिन एक आश्चर्य चीज हमने देखा, बोले क्या देखे, बोले तेरी जैसे एक मूर्ति हमने देखा, केवल तुम बोल रहे हो और वो मूर्ति नहीं बोल रही है, और हमने देखा राम को उनकी पूजा करते हुए देखा, जब पूजा करते हुए देखा मैया वो कौन थी। जब मैया सीता ने ये चीज को श्रवण करती है, हृदय में प्रेम में गदगद हो जाती, बोले क्यों, बोले राम ने
मेरे को जो परित्याग किया कि ऊपर से परित्याग किया लेकिन हृदय से मेरे को उन्होंने परित्याग नहीं की। हाँ, राजा ने रानी को परित्याग की लेकिन राजा ने राम ने सीता को परित्याग नहीं किया। इसलिए सीता इसको सुन करके आंखों से आंसू की झरी बहने लग जाती है। इसलिए महाराज यहाँ पर आकर के पूरा उस लीला में अभिष्ट हो जाते थे। इसलिए ये दिव्य स्थली ये स्थली है। और अब लोगों ने श्रवण किया पास में कि जन्मद्वीप है, हम उधर क्रॉस करते हुए आए लेकिन वहाँ पर बैठने का जगह नहीं था इसलिए हम बैठे नहीं। कभी यहीं पर श्री जन्म मुनि यहीं पर तपस्या कर रहे थे। कभी ये सत्य युग में भी उन्होंने जब भगवान की आराधना की थी भगवान स्वयं गौर हरि रूप में उनको दर्शन दिया था। जब यहीं पर भजन कर रहे थे श्री जन्म मुनि जब भगीरथ ने अपना पूर्वजों को उद्धार करने के लिए आप लोग श्रवण कर रहे थे सगर महाराज के जो 10,000 पुत्र थे ये जन्म मुनि श्री कपिल मुनि की अभिशाप से सबके सब जल करके राख हो गए। बोले इनकी उद्धार कैसे होगा? बोले अगर गंगा को अवतरण कर सकते हो इनकी उद्धार हो सकती है। इसलिए इनकी पूर्वजन दिलीप अंशुमान आदि बहुत कोशिश किया गंगा को अवतीर्ण करने के लिए लेकिन गंगा संतुष्ट नहीं हुई। लेकिन ये भगीरथ ने किया कि युवा अवस्था में अभी शादी वादी नहीं किए उन्होंने युवा अवस्था में जाकर के उन्होंने गंगा जी को आराधना की तो गंगा प्रसन्न हो गई। तब गुरु जी कहते थे भैया इनके पूर्वज लोग भी तो तपस्या किए थे लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुए, इनके तपस्या पर संतुष्ट क्यों हो गए? बोले कारण यही था उन लोगों ने रिटायर्ड लाइफ में गए थे तपस्या करने के लिए रिटायर्ड लाइफ में। लेकिन श्री भगीरथ ने उन्होंने देखा मेरे पूर्वज लोग दुख कष्ट भोग कर रहे हैं और मैं राज सिंहासन में बैठकर विषय भोग करूंगा, ये नहीं, जब तक मैंने पूर्वजों को उद्धार नहीं करूं तब तक मैंने विषय भोग नहीं करूंगा। इसलिए उन्होंने बचपन में ही उन्होंने गए और उन्होंने कठोर तपस्या की क्योंकि जो बचपन में जाने भक्ति करने पर, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचार्य पे प्राज्ञम, जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे बचपन से भक्ति करनी चाहिए तभी तुम्हारी सारी एनर्जी भजन में लगेगा। और रिटायर्ड लाइफ में जब सारे रिटायर्ड क्यों होते हैं, जब देखते हैं और कोई काम नहीं कर सकता 8-8 घंटा बैठ पड़े, जब भैया हो गया अभी घर में जाओ, जब साधारण काम से रिटायर हो गए फिर भक्ति में कैसे भजन करोगे? इसलिए भक्ति बचपन से करनी चाहिए। इसलिए गंगा को संतुष्ट कर दी। गंगा बोले मैं तो आ सकता हूँ लेकिन मेरे दो समस्या है, पहला आ सकती हूँ लेकिन दो समस्या। बोले क्या? पहला समस्या है मेरे वेग अत्यंत प्रखर है, अगर मेरे वेग को कोई धारण नहीं करेगा तो मैं पाताल चली जाऊंगी। दूसरी समस्या है बड़े बड़े पापी लोग भी आकर गंगा में नहाएंगे, ये पाप से हम मुक्त कैसे होंगी? फिर उनने शंकर जी को आराधना की, शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोले क्यों? बोले ये गंगा कौन है? बोले ठाकुर जी की चरणामृत है। और बोले जैसे एक शंकर जी धारण। दूसरे समस्या है पापी लोग नहाएंगे, बोले भैया यहाँ पर बड़े बड़े साधु लोग भी आएंगे वैष्णव लोग भी आएंगे वो भी स्नान करेंगे, इसलिए भगवत गीता भागवता तीर्थ भूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्बंत तीर्थानी शांत तेन गदावृतम। वैष्णव को अंदर में इतनी शक्ति है वैष्णव का जरूरत नहीं गंगा नहाने का, लेकिन गंगा में जो पाप है लेकिन जब इनको चरण स्पर्श हो जाता है गंगा का सारे पाप को, शंकर जी जटा को उन्होंने इतने फैलाया वहीं पर ही गंगा को भी समा गई। बोले श्री शंकर बोले श्री गंगा धर श्री शंकर जी की, बोले श्री भोले बाबा की। इसलिए उन्होंने गंगा देवी को धारण किया। अभी देखा भैया भगीरथ गंगा तो आई गई कहा, अभी तो जटा में समा गई। फिर उनने शंकर जी को प्रसन्न किया, बोले भैया चरणामृत तो थोड़ी देने का चीज, चरणामृत तो लेने का चीज। बोले नहीं मैं इतने कष्ट करके लाया हूँ तो। फिर शंकर जी थोड़ी सी दे दिए। फिर उसी गंगा को आगे आगे भगीरथ जा रहे हैं शंख बजाते बजाते, जब गंगा यहीं पर तो देखा गंगा, बोले गंगा बड़े भाग्य से प्रभु का चरणामृत तो मिलता है। फिर उन्होंने क्या किया, गंगा के पूरा उन्होंने गंगा को पान कर लिया। भगीरथ थोड़ी दूर देखो भाई गंगा कहाँ गई, गंगा है ही नहीं। देखा गंगा तो जन्मुनि आश्रम तो उसको है नहीं। फिर उन्होंने जन्मुनि को प्रसन्न किया, बोले भैया चरणामृत है। फिर उन्होंने अपना जानू को फाड़ दिया तो उधर से गंगा आई, इसलिए इनका नाम पड़ेगा जान एक बार। इसलिए सबके सब श्री गंगा सागर जाते हैं। इसलिए यह स्थली अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थली है। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत में यहाँ पर आए, यहाँ प्रणाम करें। और ये हमारे परिक्रमा का अंतिम पड़ाव है, परिक्रमा की अंतिम पड़ाव। इसलिए गुरुदेव कहते थे अगली बार
सबके सब एक एक भक्त दस दस भक्तों को लेकर के आना। कितने कितने भक्तों को? दस दस। इसलिए गुरुदेव और एक बाहर से गए थे, हम लोग तो बाहर सोते थे। हाँ, बारंडा में हम लोग सोते थे, हम बारंडा में। और जो ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे ना, जो जो लोग परिक्रमा करें उनको पता होगा, बोतल में पानी भर करके जाते थे मैदान में हम शौच क्रिया करने के लिए। मतलब इतने कष्ट करके गुरु जी का समय में हमने परिक्रमा किया है। इसलिए आप लोगों के लिए तो इतना भी फैसिलिटी आकाश बात हम घर है, इसलिए कोई चिंता नहीं। इतने कष्ट किया है गुरुदेव। और एक बात, गुरुदेव देखा क्या, छत के ऊपर सन्यासी ब्रह्मचारी, गुरुदेव अपना जो ये डंडा है ना, ये डंडा का काम करता था, ये डंडा का काम करता था। गुरुदेव बस को रुकवा दिया और डंड लेकर उठा और ऐसे ऐसे मारे और बस को ऊपर से सबके सब छलांग लगा लगा करके, सब बस के ऊपर छलांग लगा लगा कर गिरते थे। इसलिए गुरुदेव एक बात कहते थे, देखो जब आप पैदल में चलते हो ना, हो लेकिन कम नहीं, क्यों, किसको अगर गंदे रास्ता में लगा उसको पाप लगता, अगर किसको अच्छे रास्ता में लगाओगे पुण्य भी मिलेगा। हाँ, महाराज बोल रहे हैं जैसे नवद्वीप धाम में आए आप लोग को सबके सब श्री ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए श्री तीर्थ महाराज जी, वहाँ पर तो बढ़िया चकाचक प्रसाद है, हैं? इसलिए ब्रजमंडल परिक्रमा भी सबके सब आना। सिर्फ हमारे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज कहते थे, वो साल में तीन बार बोलते थे, एक ब्रजमंडल, एक नवद्वीप और एक रथ यात्रा। बोले क्या है, जैसे पहले घड़ी होता था ना, उसमें एक बार चाबी तो 24 घंटा के लिए चलता था, फिर दूसरे दिन चाबी। माधव महाराज गए थे मथुरा अवतार जैसे, धीरे 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 सबके सब बैठते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ प्रणाम करो, चरण धूल लगाना और प्रार्थना करना, हर साल जैसे महापुरुष धाम में आ सकते हैं। वंशाकल उदर भस्त कृपा सिंधु भय बच पतिता नंग पावने भो वैष्णव भो नमो नमः। हरे कृष्णा। आप अभी कहाँ जा रहे, उठ रही है, अभी बहुत देर है, अभी प्रसाद आने में 1.5 घंटा देर है अभी।